मैं तुझे जेल की हवा खिला दूंगा। दे मेरी गाड़ी चाबी। एक्सक्यूज मी, आपकी गाड़ी कौन सी? ये गाड़ी के जो तुम चुरा के भाग रही थी, चोटी कहीं की। ए, ब्लेम करने से पहले सोच लेना, वरना गेम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा संजू को। सर, ये जो लड़की है बड़ी खतरनाक लग रही है, गाड़ी ले लो और निकल लो, फोकट में पुलिस विलिस का लफड़ा हो जाएगा सर। हाँ, खतरनाक है। देखिए, मैं वो पुलिस विलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए कहता हूँ मेरी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ, प्रूफ करो ये आपकी गाड़ी है। अच्छा, मेरी गाड़ी मैं प्रूफ करूँ? ठीक है, अभी बताता हूँ, अभी गाड़ी के पेपर दिखाता हूँ तुम्हें, अभी दिखाता हूँ। पर वो तो मैंने छुपा दिए। क्या? हाँ, लेकिन वापस दे सकती हूँ, बस एक बार बोल दो कि मैंने अपनी मर्जी से संजू उर्फ संजना कपूर को अपनी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करने के लिए कहा, और उसकी टेस्ट ड्राइव से मैं बहुत 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 खुश हुआ, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर। बोलो। बोलता हूँ, मैंने अपनी मर्जी से संजू उर्फ संजना कपूर को गाड़ी की चाबी टेस्ट ड्राइव के लिए दी है, और मैं उससे बहुत खुश हूँ। बहुत 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 आहा, बहुत 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 खुश हूँ। अरे लेकिन मेरी गाड़ी के पेपर तो देते जाइए। जहाँ थे वही है। अच्छा कद्दू बेटा, मैं चलती हूँ। मम्मी जी, आप जा रही हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता ना। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कद्दू, मैं जा रही हूँ, कहीं मर तो नहीं रही हूँ ना। ऐसा मत बोलिए मम्मी जी। अच्छा ये बताइए कि आप फिर कब आएंगी लौट कर? जब कद्दू से दद्दू बनेगा। मम्मी जी, देखा कद्दू, तू मुझे यहाँ रुकने के लिए कह रहे, और ये मुझे भगाने के लिए पूजा की थाली भी ले आई है। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो हर बात में मुझे समझ समझ के गलत समझ रही है। मेरी मम्मी जी ने मुझे सिखाया था कि घर से कोई जाने वाला हो तो उसे दुखी करके नहीं भेजते, हंस के भेजते। मैं तो बस हंस के भेज रही थी। अरे शिमला मिर्ची, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे बहू को सताना तो सास का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। एक बात बताऊं कद्दू, ऐसी शिमला मिर्ची ना नसीब वालों को मिलती है। ये नाम की मिर्ची है लेकिन है बड़ी मीठी। एक मिनट हटिए, देखते हैं मम्मी जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चल यारो बेटा, मुझे स्टेशन छोड़ दे, और आते वक्त ना ये पूजा की थाली किसी मंदिर में छोड़ देना। ले यार। ओके दादी को। अच्छा बच्चों, मैं चलती। अच्छा मम्मी। जीते रहो बच्चों, जीते रहो। चल चल आ यार। अरे अरे दादी, आप जा रही हैं? नहीं, आ रही हूँ जी। दिखाई नहीं देता, इतने अच्छे कपड़े पहन के सामान पैक करके मैं बाजार के सब्जी लेने जा रही हूँ। अरे मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। क्या तो बड़ा खुश हो रहे? क्या? अरे हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं। क्या है ना दादी जी, जब आप चली जाएंगी ना तो हमारी प्यारी भाभी जी अकेले हो जाएंगी। लेकिन भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हमारे होते हुए। हाँ, और हम आपको ना शॉपिंग कराने ले जाएंगे, पार्क घुमाने ले जाएंगे, और कभी कभी आपके ब्यूटी पार्लर में भी हम आपकी मदद कर देंगे, और घर आके आपके साथ सब्जी भी काट दिया करेंगे, जैसे दादी कभी कभी काटा करती रही होंगी, है ना दादी जी? अबे ओ चतुर्वेदी, मैं सब्जी अब्जी नहीं काटती, किचन में काम नहीं करती हूँ मैं। अरे लेकिन मैं तो काटूंगा। हाँ, इन शॉर्ट
भाभी जी आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा हमारे होते हुए एकदम। अरे मैं मर गया हूँ क्या? हाँ सामने खड़ा हूँ मैं और आप बकवास किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अरे आप बड़े उंगली टाइप के आदमी हैं, बात खत्म नहीं हुई, बीच में गप से कूद पड़ते हैं आप। अबे चतुर्वेदी, अगर मेरे बेटे को कुछ कहा ना तो तेरी ऐसी ठोक करूंगी कि तू ठोक करना भूल जाएगा। गदा कहीं का। चले यारो बेटा चले। मम्मी जी आई विल मिस यू। आई विल मिस यू आल्सो। अच्छा बच्चों बाय बच्चे बाय, टेक केयर। हाँ चलो बाय बाय। लुटेरे खलनायक काबिल का ऋतिक हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता। ए पागल है। ओ डॉली। ओए सहेली मेरी। ओए आजा यार। ओ डॉली। ओ संजू। ओ फिल्मी। ओ गुलमी। ओए चप्पड़ चप्पड़। ओए धुकिया थप्पड़। अब आइए लेवल में। अच्छा अब बता। तू बता तू थी कहाँ इतने टाइम? पूरे एक साल बाद मिली है, तुझे पता है तुझे कितना मिस किया? लेकिन तूने डॉली को मिस नहीं किया होगा। हाँ हाँ क्यों करेगी, लगी होगी अपनी किसी किक्षिक में। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, याद तो तुम्हारी बहुत आती थी, एक साल से मैं इंडिया में ही नहीं थी। अच्छा अब तो फाइनली मिल गए है ना, तो हम खूब मस्ती करेंगे। अरे मेरी दोस्त, हम मस्ती क्या ग्रैंड मस्ती करेंगे। सॉरी यार वो क्या है ना, दिमाग में मेरे फिल्म्स ही फिल्म्स घुसी रहती है तो मुंह से भी निकल आती है। अरे हटो यहाँ से, रास्ता क्यों बंद कर रखा है? ओ रास्ता छोड़ो मैडम। ओ देख यार लोग हमारे पीछे दीवाने मस्तारे पागल हुए जा रहे हैं। इससे पहले कि तेरा मेरा एनकाउंटर कर दे भगले यहाँ से। हाँ चल बैठ, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। चल। अरे हटो यहाँ से, रास्ता क्यों बंद कर रखा है? संजू अपनी दोस्त से एक साल बाद मिली है, हमने जरा सी बातें क्या कर ली, तुम लोगों ने पौंपा चालू कर दिया। ए दू क्या चल हट निकल। चल चल अरे मेरी पसंद थी, स्लो चला स्लो। अरे ये गाड़ी है कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है, और वैसे भी मजा तो स्पीड में है डॉली। हाँ हाँ मालूम है, क्योंकि लाइफ में जब तक किक नहीं लगता संजू को कुछ ठीक नहीं लगता। एग्जैक्टली तू नहीं बदलने वाली, पहले खतरों की खिलाड़ी थी अब एक तो टाइगर बन गई है। कहाँ थी पूरा एक साल? पेरिस। पेरिस मतलब पेरिस में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तू एज इट इज वापस आ गई। पर मैंने पेरिस का बहुत कुछ बिगाड़ दिया। अब तूने पेरिस में क्या किया मेरी माँ? एक दिन ना मैं एफिल टावर के टॉप पर चढ़ गई, वहाँ खाना पीना तो अलाउड था नहीं, पर मैंने वहाँ भेलपूरी खाई। तूने एफिल टावर के टॉप फ्लोर पर चढ़ के भेलपूरी खाई? वाओ ये तो तूने दबंग के सुल्तान टाइप काम किया। यार संजू तेरे ऊपर ना कोई फिल्म आनी चाहिए, लेडी क्रिश। बोल रही तो राकेश अंकल से बात करूं? अरे नहीं यार तू तो जानती है ना मैं तो सिर्फ लाइफ के मजे लेने के लिए ये सब करती रहती हूँ। मालूम है। चल मेरे साथ। कहाँ? अरे एक साल बाद मिले हैं, सेलिब्रेशन तो बनता है ना बॉस। अरे बिल्कुल बाजरा मस्ताने टाइप ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, चल अपना शनिवार वाड़ा। हाँ। आखिरी पानी पूरी तो खाना ही होगा, तभी तो 6 प्लेट पूरी होंगी। भैया और एक प्लेट देना। यार तू जीत गए यार, मैं हार गई, मैं हो गया डियर, मैं और नहीं कर सकती। तू शादी कब कर रही है? बहुत जल्दी। कांग्रेचुलेशंस। पर मेरे दूल्हे को पता चल जाएगा कि उसकी दुल्हन इधर है। मतलब ये कि मेरे हीरो को पता ही नहीं है कि वो शोला है मैं शबनम हूँ, वो वीर है मैं जारा हूँ, वो मजनू है मैं लैला हूँ, वो पानी है मैं पूरे हूँ। वाह वाह डॉली वाह। अरे यार इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सारे के सारे लड़के ना ऐसे ही होते हैं। ऐसे कैसे? स्टुपिड। हाँ ये तो तूने सही कहा, लेकिन तेरी लाइफ में कोई स्टुपिड राहुल या कोई स्टुपिड प्रेम नहीं आया क्या? अरे राहुल प्रेम को छोड़, मेरी लाइफ में तो गोगो से लेके सांबा तक हर टाइप के लड़के आ चुके हैं, क्योंकि मेरे पापा ना रोज रोज नया रिश्ता लेके आते रहते हैं। वाओ। मुझे तो समझ नहीं आता लड़के मुझे देख के प्यार में क्यों पड़ जाते हैं, लेकिन मुझे ना शादी की कोई जल्दी नहीं है, मेरा दूल्हा तो इंतजार करेगा।
दूल्हा इंतजार क्यों करेगा? दूल्हा तो आ गया। संजू, कि तेरी शाकाल वाली खोपड़ी में कोई गब्बर वाला खतरनाक थॉट चल रहा है ना? डॉली, किसी और का दूल्हा चुराने में जो किक है ना, वो तो अपना दूल्हा ढूंढने में भी नहीं है। तुम पागल हो गई क्या? कितनी किक चाहिए? अरे उस दूल्हे की लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट दिन है, तू क्यों उसका फंडू का फोर करना चाह रही है? अरे तू रुक ना। हम जैसी हीरोइन लड़कियों को ना ये विलन वाले काम सूट नहीं करते। रुक ना। ये देखो, बेगानी शादी में अब्दुल की दीवानी बना। अरे जी कौन आ गया ये मेरे पीछे? भाग भाग। अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे छोड़ो ना मुझे, अरे बचाओ कोई। अरे मरवाएगी ये अपने किक के चक्कर में, मुझे किक खिलवाएगी। डॉली तू तो भाग पतली गली से। डोलो की दुकान, मसल्स बढ़ाने से ना हमारी किस्मत नहीं बदलने वाली है, तो एक काम का काम कर ले। अमर, ऐसे एक बात का बुरा मत मानिए, लेकिन फ्रेंच फास्ट फूड में जितने भी कस्टमर्स आते हैं ना, मेरी लुक्स को देख के आते हैं। बाकी रही तरह खाने की बात, उनसे अच्छी तो खाली प्लेट होती है। प्रेम प्लीज बुरा मानना, लेकिन फ्रेंच फास्ट फूड ने अब तक जितने भी पैसे कमाए ना, वो मेरे खाने की वजह से कमाए, तेरे डोलो की वजह से नहीं। आ जा प्लेट दो, लास्ट 12 सेट बचे उसके बाद। तुझे याद है ना कि हमने जितने भी पैसे इकट्ठा किए हैं, वो दादी खून ने ह्यूमन के बेल के लिए खर्च कर दिए, इसलिए हम फूड ट्रक से फूड रिक्शा में आ गए। हाँ, राजू भी अब हमारे साथ नहीं रहता, तो महीने का पूरा भाड़ा हमारे सर पे आ गया। बस तो मैं क्या महीने का भाड़ा तेरे डोले बेच कर लाऊंगा? नहीं भाई यार, अगर हमने अग्रवाल अंकल का भाड़ा नहीं दिया तो हमें घर से निकाल देंगे। हमें फुटपाथ पे रहना पड़ेगा। हाँ। यार मुझे तो फुटपाथ पे रहने की आदत भी नहीं है। कोई बात नहीं। देख, इसलिए ना मेरे पास एक आइडिया है, पैसे कमाने का एक लेटेस्ट प्लान। बैठ के बता भाई, बैठ के। हाँ। तुझे पता है टाइम पास एंटरटेनमेंट टीवी पे एक नया कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है, मुंबई's गॉट टैलेंट, और हम इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। और जीतने वाले को कितना इनाम मिलने वाला है पता है? नहीं पता। 50 लाख रुपए। सोच बेटा प्रेम, सोच। अगर हम 50 लाख रुपए जीत गए तो हमारे सारे प्रॉब्लम के हल निकल आएगी यार। हाँ यार, बात तो तेरी अच्छी है भाई, लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? क्यों नहीं, वो तो टैलेंटेड लोगों के लिए है ना। इसीलिए तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, हम पार्टिसिपेट करने चाहते हैं। चल उठ। जैसा दादी कूल ने कहा था वैसा ही यारों ने किया, भगवान जी की पूजा भी कर ली और उनसे प्रार्थना भी कर ली, लेकिन क्या भगवान जी यारों की सुनेंगे? पापा, अरे मुझे बचा लो कोई। क्योंकि यारो ना तो इंसान है और ना ही पूरा मशीन, पता नहीं यारो की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अरे बचाओ कोई, अरे बचाओ कोई मुझे। लेकिन हाँ, इंटरनेट में बताया था भगवान जी सबकी सुनते हैं, यारो की भी सुनेंगे, पक्का सुनेंगे। अरे घोड़ा रुको, अरे मुझे कोई बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ पापा, अरे छोड़ दो मुझे। अरे बचाओ कोई मुझे, बचाओ। आ
आप एक लड़की को किडनैप करके लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं और क्यों लेके जा रहे हैं? ए रोड साइड हीरो, इसने मुझे नहीं, मैंने इसे किडनैप किया है। मार डाला, मार डाला। सुनो ना, आप हमसे शादी करोगी ना? Shut up! You! Roadside hero, give me your hand. आ मुझको मुझके जिकत खाते कुछ किसके खाते कुछ किसके खाते उमर का जो खाते कुछ किसके खाते उमर का जो आज के जो आज के जो ऑफ के जो उनके खाते कुछ किसके खाते। ए! जाओ। ये क्या बकवास कर रहे हो? यारो को पहली बार किसी लड़की को देख के बहुत जबरदस्त शॉक लगा है। Give me your hand. उठाओ मुझे। ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? पागल हो गए हो क्या? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखे जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आओ, आओ। पागल है क्या? फेंका क्यों मुझे? माता छोड़ो। तो यारो ने आपको छोड़ दिया? हाँ, छोड़ने को कहा था, फेंकने को नहीं कहा था। देख लूंगी तुझे। देख लेंगी तो अब तक क्या कर रही थी? यारो तो चाहता है कि आप उसे और देखें, क्योंकि जब आप यारो को देखती हैं, तो यारो को नाइस नाइस फील होता है। अरे हम कितनी देर से दूल्हा बने बैठे, अब तो शादी कर लीजिए, इतनी दूर से भगा के लेके आई हैं आप। छोड़, ए, शट अप। आज तो तू बच गया बेटा, फिर सामने आएगा ना तो छोड़ूंगे नहीं तुझे मैं। पकड़ा, पकड़ा। नहीं लगा तो नहीं लगा ना, चाटा लगा बहुत तेज। दूल्हे को भारत से भगा कर लेकर गई, आखिर ये लड़की है कौन? हाँ, ये लड़की है कौन? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.